आप सभी का न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बीजापुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, बड़े मिशन पर। मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। ये ऑपरेशन अभी भी जारी बताया जा रहा है। सभी 8 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। LMG AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी मौके से बरामद हुए हैं। अभी भी जंगल में नक्सली छिपे हुए हैं, सर्चिंग अभियान जारी है। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। 8 नक्सली ढेर हो गए हैं। अंकुश हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकुश, क्या इस वक्त का अपडेट? देखिए, बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में नक्सली मुठभेड़ हुई है और सुबह से मुठभेड़ जारी है। सुबह की दौरान की अगर खबरों की बात करें तो सुबह 4 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए थे और उनके पास से नक्सली हथियार इम्फाल इंसाफ जो राइफल है, राइफल बरामद कर ली गई थी। उसके अलावा जो लोहे से बने जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए थे। लेकिन अब सर्चिंग अभियान के बाद जो नक्सलियों की संख्या है वो बढ़ गई है, 8 संख्या हो गई है इनकी। मतलब अभी तक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 8 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया है और उनके माध्यम से बताया गया है कि सर्चिंग अभियान अभी चल रहा है और सर्चिंग अभियान पूरा होने के बाद जो नक्सलियों के शव हैं उनकी संख्या जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो माना जा रहा है कि बड़ा नक्सली ऑपरेशन था ये और इस ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल जो फायरिंग है वो रुक रुक कर कहीं कहीं से फायरिंग हो रही है और उसको लेकर सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बल जो है उन्होंने पूरे इलाके को अपने सुरक्षा घेरे में लिया है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मुठभेड़ खत्म हो और उसके बाद जब सर्चिंग ऑपरेशन जब खत्म होगा तो उसके बाद तमाम जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल अंकुश, और आपने यहाँ पर उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया जिनकी बयान जिनकी एक बाइट और उनका एक बयान सामने आया इस पूरे मामले पर, वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। सर्चिंग अभी जारी है बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। संभवतः 1-2 के बढ़ने की और भी संभावना है, वो और स्पष्ट होने के बाद बात सामने आएगी। साथ ही साथ LMG मिला है वहां पर, LMG मिला है। ये मतलब ये चिंताजनक विषय है। LMG जैसे हथियार का उनके पास होना ये चिंताजनक विषय है। जिस तरीके से इस बयान में अंकुश जानकारी दे रहे हैं विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री की, LMG जैसे हथियार मिलना चिंताजनक बात है। इसके अलावा AK-47 भी बरामद हुआ है, और भी जो सामग्री है वहां पर हथियार है उनकी बरामदगी हो सकती है, इससे जुड़ी क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ऑपरेशन तो लगातार चल ही रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उन ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से जो हथियार बरामद किए गए हैं वो वाकई हाईटेक हथियार बरामद किए गए थे। और अब उसके बाद जो आज का जो मुठभेड़ है उस मुठभेड़ में LNG के टाइप के जो हथियार बरामद किए जा रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाला है कि आखिर नक्सलियों के पास इतने हाईटेक हथियार पहुंच कैसे रहे हैं, आखिर इनका कैसा कनेक्शन है, कहां से कनेक्शन है कि ये हथियार उनके हाथों तक पहुंच रहे हैं और उन हथियारों का उपयोग करके वो कहीं ना कहीं नक्सली वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। फिलहाल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, बड़े ऑपरेशन में 8 नक्सलियों के मारे जाने की स्पष्ट सूचना तो आ गई है। लेकिन अब जिस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन खत्म होगा तो सर्चिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद उसमें संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे भी आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी जो है वो इस ऑपरेशन सर्चिंग ऑपरेशन के बाद ही निकलकर आएगी कि आखिर ये किसके नेतृत्व में ये नक्सली गैंग जो है वो कहां से छुपा हुआ था, कैसे किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, ये तमाम चीजें साफ होना भी बाकी है। बिल्कुल, और इस पर किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है अंकुश, एक बार ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हथियार नक्सलियों तक पहुंचते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। इस पर आगे क्या कुछ तैयारी कर रही है टीम, जिससे कि आने वाले वक्त पर इस पर लगाम लगाया जा सके?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो सुरक्षा बल है या जो लोकल पुलिस है उसको ये पता करना थोड़ा सा चुनौती होगी कि आखिर इतने बड़े हथियार और इतने हाईटेक हथियार नक्सलियों के पास आते कहां से हैं। सर्चिंग के दौरान ये पता लगाया जाएगा और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके में अगर कोई नक्सली कैंप हुआ तो वहां से भी कोई सबूत जो है वो पुलिस को मिल सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये पूरी मुठभेड़ की शुरुआत हुई उसमें सुरक्षा बलों को यह जानकारी थी कि कुछ नक्सली ऐसे हैं जो वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसी सूचनाएं और सूत्रों के हवाले से खबर आने के बाद जो सुरक्षा बलों की टीम है उनकी तैनाती की गई थी, उनको नक्सलियों के सर्चिंग के लिए उनको भेजा गया था और उनके इलाके में घुसकर वहां पर यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और मुठभेड़ में 8 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से ये सफलता कही जा रही है पुलिस की कि पुलिस ने 8 नक्सलियों को मारने में सफलता हासिल की है, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार के जो वर्तमान के जो लगातार प्लान है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार इस तरीके से लगातार इसको लेकर एक्शन मोड में है पूरी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश जानकारी के।